स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आज मैं कुछ एक्सेप्शनल केस लूंगी जो बहुत ही कॉमन केस है। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं CH4, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसकी ज्योमेट्री, फिर इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। CH4NH3 और H2O, ये तीनों मॉलिक्यूल, ठीक है, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उसकी ज्योमेट्री बताएंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो दो केस होते हैं ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। एक्चुअली में जो सेप जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ज्योमेट्री को शो नहीं करेगा। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि NH3 का क्या ज्योमेट्री होता है, H2O का क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं CH4 का। CH4 में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, तो कार्बन जो होता है इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 4, लोन पेयर कितना बचा 0, तो लोन पेयर इक्वल टू 0, मतलब 4 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो रहे हैं। 4 का मतलब होता है कि CH4 में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NH3 के बारे में। NH3 में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, जिसमें से 3 के साथ ये हाइड्रोजन बना लिया, के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो गई और लोन पेयर कितना बचा 1। 5 थे जिसमें से 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बना लिया, 1 लोन पेयर बचा, तो ये हो गया 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। H2O की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं, जिसमें से 2 जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 हो गई और लोन पेयर कितना बचा 2 बचा, 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी बचे हैं ना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद, तो लोन पेयर 2 हो गया, मतलब 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तीनों मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहे हैं। तो क्या इन तीनों की ज्योमेट्री सेम है, नहीं, इन तीनों की ज्योमेट्री सेम नहीं है। तो CH4 में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, H2O में ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये तो एक्चुअली में रूल को फॉलो कर रहा है, बट अमोनिया में नाइट्रोजन का sp3 है, बट ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो नहीं करता है, ये शो करता है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री को ये शो करता है, मतलब इसे हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हाँ, ब्रैकेट में इसको लिख देंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। उस वैसे ही H2O में ऑक्सीजन sp3 को शो कर रहा है, लेकिन इसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो नहीं करता है, ये शो करता है वी शेप्ड ज्योमेट्री को, जिसे हम बेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। और यही एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ज्योमेट्री के रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इनका शेप अलग हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से, बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से। तो इनका ये ज्योमेट्री हो गया H2O का वी शेप्ड बैंड, अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडल डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, CH4 का कार्बन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4 का, अमोनिया का बनाएंगे तो नाइट्रोजन कुछ इस तरह से होगा और तीनों हाइड्रोजन इस तरह से यहां पर अटैच होंगे, और एक लोन पेयर इसके पास बच रहा है जो ऊपर की तरफ होगा, और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, इसके साथ रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जिसके वजह से इसके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 107 डिग्री, ठीक है। वैसे ही अब H2O का बात करें तो H2O में ऑक्सीजन कुछ इस तरह से जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन यहां और 2 लोन पेयर कुछ इस तरह से यहां पर ऊपर होते हैं, तो इन दोनों लोन पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो और घट जाता है, घटने के बाद इनका जो एंगल होता है वो 104 डिग्री के करीब हो जाता है, ठीक है। तो पहले 109 था, फिर 107, फिर 104, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वॉटर भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है, ज्योमेट्री।
मतलब अगर आपका वाटर पूछेगा तो आप बताएंगे कि वी शेप्ड बैंड का होता है जिसे हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस के बीच में रिपल्सन, और फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो और घटकर 104 डिग्री हो जाता है। रिपल्सन रिपल्सन हुआ इनके बीच में, तो पहले बॉन्ड एंगल 109 था, फिर 107, फिर 104। 109 था क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो रिपल्सन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल एक्चुअली में इतना ही है। लेकिन जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल घट गया और 107 हो गया, और लोन पेयर और बढ़ गया। यहाँ पे एक था तो कम था, लेकिन दो लोन पेयर हो गए तो और रिपल्सन बढ़ा, जिसकी वजह से 109 से डायरेक्ट 104 हो गया। रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो और घट गया, तो इसका जो 104 डिग्री इसका एंगल हो गया। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है अमोनिया और वाटर, इनका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, फिर भी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो नहीं करते हैं, ये ट्राइगोनल पिरामिडल को और वी शेप्ड को शो करते हैं। ठीक है, NS3 ट्राइगोनल पिरामिडल और वाटर वी शेप्ड को शो करते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, तो एग्जाम में अगर आता है तो इसी तरीके से आप बनाए।